प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन टॉपिक देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के बीच में डिफरेंस। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को अपन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश बोले तो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है वो आज अपन चर्चा करते हैं। टॉपिक छोटा है लेकिन गहरा है ना। कंपेरेटिवली प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इधर तो ये बिंदु लिखा हुआ पैरामीटर और फिर जो डिफरेंस है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन देखते हैं उदाहरण। संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है भारत और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है अपने अमेरिका। अध्यक्ष बोल दो चाहे राष्ट्रपति शासन व्यवस्था बोल दो, बात ही की। सबसे पहले अपन देखते हैं कार्यपालिका प्रमुख। कार्यपालिका प्रमुख के रूप में कैसे अपन यह देखते हैं कि कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं और इस तरह अपन देखते हैं कि यह दोहरी कार्यकारिणी पाई जाती है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के दो हेड होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलेंगे और टू को टू हेड्स, ठीक है। कार्यपालिका के दो हेड होते हैं, या यूं कह दो कि ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होती है। किसमें? संसदीय शासन व्यवस्था में। ये ड्यूअल कैसे? क्योंकि क्या होता है, यहां एग्जीक्यूटिव का जो नॉमिनल हेड है, मतलब जो नाममात्र का हेड है, वो अलग होता है और एग्जीक्यूटिव का जो वास्तविक हेड होता है वो अलग होता है, रियल हेड। तो जो नाममात्र का होता है उसको अपन बोलते हैं नॉमिनल हेड, वो होते हैं राष्ट्रपति। कार्यपालिका के जो नॉमिनल हेड, नाम मात्र का हेड होता है, वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के रूप में अपन क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबड़ की मोहर है ऐसे, ठीक है। तो नॉमिनल हेड, नाम मात्र का हेड कार्यपालिका का तो राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक हेड, रियल हेड जो है कार्यपालिका की, वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यूं पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो प्रधानमंत्री के अनुसार ही काम करती है, ठीक। ये तो कार्यपालिका के दो प्रमुख, दोहरी कार्यकारिणी कैसे, कि नाम मात्र का जो हेड होता है वो, जिसको अपन नॉमिनल हेड भी बोलते हैं, वो है राष्ट्रपति, पीआर में राष्ट्रपति, एंड वास्तविक हेड जो है, रियल हेड जो है कार्यपालिका के, वो है प्रधानमंत्री। जबकि अपन अध्यक्षीय या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में देखते हैं कि दोहरी कार्यकारिणी नहीं होती, एकल कार्यकारिणी होती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव हेड। राष्ट्रपति सिंगल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। राष्ट्रपति सरकार का, राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड होता है, या कोई प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। कार्यपालिका का एक प्रमुख होता है, एकल कार्यकारिणी, इसको बोलते हैं अपन क्या, सिंगल एग्जीक्यूटिव या सिंगल हेड एग्जीक्यूटिव। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है, राज्य का मतलब पूरे स्टेट का, अमेरिका का पूरे का, ठीक है। और सरकार, सरकार का हेड भी वही होता है। जबकि अपन भारत में देखते हैं राज्य का प्रमुख तो राष्ट्रपति है, नॉट राज्य से, यहां मतलब वो नहीं है कि भारत में 28 राज्य है, राज्य से मतलब है सरकार, ठीक है ना। सरकार में रहती केंद्र सरकार, ठीक है, संसद, उससे मतलब है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आर्टिकल 13 के अंदर सरकार की परिभाषा दी हुई है, वो थोड़ी वृद्ध है। अभी यहां सरकार से अपन को राज्य से समझना है, इंडिया, इंडिया की सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो राज्य, राज्य मतलब राज्य का, स्टेट का हेड प्रेसिडेंट है और सरकार का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, किसमें? संसदीय में। जबकि राष्ट्रपति के अंदर राज्य का और सरकार का प्रमुख एक ही होता है, जो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। तो इसलिए एकल कार्यकारिणी। तो पहले बिंदु में अपने चर्चा करी कार्यकारिणी की, या दोहरी है या एकल है, ठीक है। एक राज्य, एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राज्य की स्थिति प्राप्त होती है, और एक सरकार का मुखिया होने के नाते वह सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है। कौन? राष्ट्रपति। राज्य का भी मुखिया और सरकार का भी मुखिया एक ही, जबकि संसदीय में दो अलग अलग, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट डिफरेंस अपन एग्जीक्यूटिव को लेकर ही देखते हैं, राष्ट्र प्रमुख और सरकार के रूप में। यहां देखते हैं अपन राष्ट्र प्रमुख और सरकार के प्रमुख दो भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं, ठीक है। और यहां अपन देखते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्र प्रमुख एक ही होता है, जिसको अपन राष्ट्रपति बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं, एक ही व्यक्ति। तीसरा अपन, चौथा अपन बिंदु देखते हैं, राष्ट्र प्रमुख का चुनाव है ना, राष्ट्र प्रमुख का चुनाव। राष्ट्र प्रमुख मतलब राष्ट्रपति का चुनाव संसदीय में भी अप्रत्यक्ष है और यहां भी अप्रत्यक्ष है, ठीक है। संसदीय में अप्रत्यक्ष ऐसे है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति को वो चुनते हैं जिनको जनता चुनती है। कहने का मतलब निर्वाचित सदस्य संसद के और विधानसभाओं के। और अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष ही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? एक इलेक्ट्रोरल कॉलेज करता है, और उस इलेक्ट्रोरल कॉलेज को जनता चुनती है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोरल कॉलेज के जो चुनाव होते हैं ना, उस उन चुनाव को अमेरिका में बोलते हैं प्राइमरी चुनाव, प्राइमरी इलेक्शन, ठीक है। ऐसे तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का भी, क्योंकि उसका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा। प्राइमरी निर्वाचन के दौरान अमेरिकी जनता निर्वाचन मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करती है ना, अमेरिकी जनता निर्वाचन मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करती है। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्षों के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। अपने यहां कितना है राष्ट्रपति कार्यकाल? 5 साल।
निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, उसे कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस मतलब अमेरिका की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है, जैसे अपने अफ्रीका नाम संसद है वहां की संसद नाम कांग्रेस है, द्वारा गैर संवैधानिक कार्यों के दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। ठीक है ना, हटाया तो भारत में भी जा सकता है, कैसे, महाभियोग के द्वारा। ठीक है, यू संविधान के उल्लंघन पे, समझ गए। तो ये हो गया तीसरा चौथा डिफरेंस। अगला अपन देखते हैं सरकार प्रमुख का चुनाव। पहले तो देखा अपने राज्य प्रमुख का चुनाव, राज्य का प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष, सरकार के प्रमुख का चुनाव कैसा होता है भारत के अंदर। भारत में सरकार के प्रमुख, सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो क्या अपन प्रधानमंत्री को चुनते हैं, क्या नहीं चुनते हैं, अपन एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। प्रधानमंत्री के लिए कभी वोट दिया है क्या, नहीं, एमपी के लिए वोट देते हैं। और फिर जिस पार्टी के एमपी का लोकसभा में बहुमत होता है ना, वो बहुमत दल का नेता क्या बन जाता है, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है, कई बार प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी बने, जैसे मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, ऐसे। ठीक है, यूं तो अप्रत्यक्ष होता है यहां सरकार के प्रमुख का, प्रत्यक्ष मत कर देना क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए डायरेक्ट वोट, बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, बहुमत वाले दल के सदस्यों के द्वारा चयन किया जाता है प्रधानमंत्री का। और यहां पे भी क्या, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष, यहां सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के अंदर सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति है, तो ऊपर वाला बिंदु यहां रिपीट होता है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं निचले सदन का विघटन। तो अपन यहां देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो निचले सदन मतलब लोकसभा का विघटन करता है। ठीक है, और जबकि वहां क्या है, राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का विघटन नहीं करता क्योंकि वो, उसका संसद से कोई लेना देना ही नहीं है इसलिए। ठीक है ना, कांग्रेस के निचले सदन का विघटन नहीं करता है अमेरिका में, जबकि भारत में लोकसभा का विघटन करता है, लोकसभा मतलब निचले सदन। फिर अगला बिंदु आप यहां से स्टार्ट हो जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में। अभी तक अपन ने देखा था एग्जीक्यूटिव के रूप में, अब अपन नेक्स्ट देखेंगे मतलब प्रधान राष्ट्रपति के रूप में, अपन देखेंगे कार्यपालिका के रूप में, वो मंत्रिपरिषद के रूप में क्या क्या डिफरेंस है। और मंत्रिपरिषद भी अपन जैसे जानते हैं कि भाई कार्यपालिका का ही, कार्यपालिका का ही एक अभिन्न हिस्सा होती है मंत्रिपरिषद। तो शक्ति पृथक्करण देखते हैं अपन, पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। भारत में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है कार्यपालिका के अंदर, कार्यपालिका और व्यवस्था के अंदर। क्यों, देखो क्या है कि कार्य मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका में आते हैं, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, और ये मंत्रिपरिषद जो है, ये कोई व्यक्ति मंत्री बनेगा तो उसको संसद का सदस्य होना जरूरी है, उस समय नहीं है तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना जरूरी है। तो कहने का मतलब एक जो मंत्री है भारत के अंदर वो कार्यपालिका का भी सदस्य है क्योंकि मंत्रिपरिषद कार्यपालिका में काउंट होती है, फिर वो संसद का भी सदस्य होना उसके लिए जरूरी है, किसी भी सदन का हो जाए। तो दोहरी होगी ना, स्पष्ट विभाजन नहीं है यहाँ पे भारत में। ठीक है, वो चित्र, ये वेन डायग्राम आपको बताएगा, ये तो है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और ये है अपने व्यवस्थापिका संसद। ठीक है, और ये बीच में जो शेडेड पोर्शन है ये है मंत्री। तो मंत्री कार्यपालिका का भी सदस्य होता है और व्यवस्था विधायिका लेजिस्लेटिव का भी सदस्य होता है। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव का सदस्य होता है और विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव का सदस्य भी होता है। तो हो गया ना, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं है। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, बिल्कुल उससे अलग होते हैं। तो वहां स्पष्ट विभाजन है। ठीक है, वहां भाई यहाँ अपन वेन डायग्राम बनेगा तो कैसे बनेगा, ये कार्य मतलब ये टोटल, ये तो हो गई एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और ये हो गया लेजिस्लेचर, बिल्कुल अलग है। ठीक है, कार्यपालिका बराबर मंत्रिपरिषद है ना, इसमें ये कार्यपालिका बराबर, ये जहां तो सही है। फिर क्या है, विधायिका कांग्रेस के सदस्य नहीं, भाई एग्जीक्यूटिव में गिनी जाती है, वहां भी मंत्रिपरिषद है, लेकिन वो जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति जवाबदेही है, वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही, संसद के प्रति जवाब, कांग्रेस के प्रति जवाबदेही अमेरिका के अंदर मंत्रिपरिषद नहीं है। ठीक है ना, तो कार्यपालिका मंत्रिपरिषद विधायिका कांग्रेस के सदस्य नहीं है ना, मतलब मंत्रिपरिषद जो है ना वो विधायिका या कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, एकल सदस्यता होती है, उनके बाद वो सिर्फ मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, विधायिका से उनका कोई लेना देना नहीं है। और यह शक्तियों का स्पष्ट विभेद अपन को देखने को मिलता है, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर अपने को अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है, समझ गए। फिर क्या क्या लिखा हुआ, देखो शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायी कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों को सरकार के 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया है। ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्र मतलब अमेरिका का जो संविधान है उसकी एक बहुत क्लियर, बहुत प्रोमिनेंट एक फीचर विशेषता है वो शक्ति का स्पष्ट विभाजन। तो देखा अपन ने कि कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से कोई लेना देना या विधायिका से कोई लेना देना नहीं होता। ओके, फिर देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति
क्या अमेरिकी राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है, या केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं, इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव, ठीक है, गैर निर्वाचित, जनता नहीं चुनती, जबकि अपने यहां मंत्री जो होते हैं वो संसद का सदस्य जरूरी होना है, होना जरूरी है, चाहे वो जनता चुने चाहे वो मनोनीत हो, कैसे भी हो, है ना। अपने यहाँ जो विभाग मंत्रालयों के जो हेड होते हैं मंत्री बोलते हैं, जबकि अमेरिका के अंदर सचिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉरेन मिनिस्टर को, है ना, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ होम, ऐसे, तो वहां मंत्री के लिए सेक्रेटरी वर्ड यूज किया जाता है सचिव, और भारत में मंत्री यूज है। जैसे अपने यहां बोलेंगे रक्षा मंत्री, ठीक है, वहां क्या बोलेंगे, डिफेंस सेक्रेटरी। अपने यहां बोलेंगे गृह मंत्री, वहां बोलेंगे होम सेक्रेटरी, ऐसे। सचिवों का चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और वे केवल उसी के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है। जबकि भारत के अंदर क्या है कि मंत्री जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और मंत्रिपरिषद को हटा कौन सकती है, सिर्फ संसद हटा सकती है, ऐसा। मतलब वो सदस्य ही नहीं रहेगा तो वो मंत्री भी नहीं रहेगा, ऐसा, ठीक है ना, ये चीज है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट बिंदु देखते हैं अपन, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि भारत के अंदर तो जो कार्यपालिका है, मतलब कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, है ना, मंत्री अभिनंग होता है कार्यपालिका का। ये अपन ने जब भाग पांच चालू किया था, भाग पांच यूनियन, पार्ट फाइव कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन चालू किया था, वहां मैंने डिटेल में शुरू में बताया पहले दो वीडियो में, है ना। तो मंत्री जो होते हैं वो सामूहिक रूप से मतलब कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये संसद के प्रति नहीं होते सामूहिक रूप से उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति, ठीक है, तो और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि यहां अपन देखें संसदीय शासन व्यवस्था में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि विधायिका के प्रति, ठीक है ना। मतलब निचले सदन के प्रति, वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, राष्ट्रपति के प्रति होती है, ठीक है। कार्यपालिका मंत्री समूह से संसद के प्रति मंत्री समूह मतलब मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, वे न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और न ही कांग्रेस के सत्र में भाग लेते हैं। कांग्रेस का लेना देना ही नहीं है मंत्री से, अमेरिकी संसद मतलब कांग्रेस का लेना देना ही नहीं है, यही कहो, मंत्रियों का कोई लेना देना नहीं है वहां की संसद कांग्रेस, बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। फिर अपन देखते हैं नियंत्रण। तो संसदीय शासन व्यवस्था में तो मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है, आपको ध्यान हो, कुछ प्रस्ताव पढ़ाए थे मैंने किस तरह से कंट्रोल रखते हैं, तो आया था उसमें स्थगन, है ना, समापन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास, विश्वास, निंदा है, धन्यवाद, अविलंबकारी, विलंबकारी, याद आया कुछ आपको? तो उनके माध्यम से मैंने बताया था कि व्यवस्थापिका जो है वो कार्यपालिका पर कंट्रोल रखती है, ठीक है, और हटा भी सकते, जैसे अविश्वास प्रस्ताव के हटा सकते हैं ऐसे। जैसे अभी तक अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार आया है बताया था आपको, टोटल 28 बार, ठीक है, और लास्ट जो 28वां आया वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, समझ गए ऐसे। तो कार्यपालिका मंत्रिपरिषद पर विधायिका का प्रभावी नियंत्रण होता है कैसे, प्रश्नकाल बताए थे मैंने, तीन तरह के क्वेश्चन, तारांकित, अतारांकित और अल्पसूचित सूचना प्रश्न, ठीक है, प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव आदि। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका मतलब मंत्री, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद पर विधायिका का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, और जबकि यहां अपन देखते हैं कार्यपालिका मंत्रिपरिषद और विधायिका का प्रभावी नियंत्रण होता है, इफेक्टिव नियंत्रण। दसवां देखते हैं निर्णय, कि यहाँ निर्णय सामूहिक रूप से होते हैं, कलेक्टिवली पूरा मंत्रिपरिषद डिसीजन लेता है, ठीक है, पहले तो राय बनाकर डिसीजन लेता है, फिर संसद कानून बनाती है, और जबकि यहाँ व्यक्तिगत डिसीजन होते हैं, राष्ट्रपति का डिसीजन ही सर्वोपरि होता है, मंत्रिपरिषद उसे सहमति रखे या नहीं रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, संसद मंत्रिपरिषद के डिसीजन से सहमति रखे या नहीं रखे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। तभी जैसे अपने बराक ओबामा का देखा होगा, अपने बराक ओबामा जो मेडिकल कानून लाए थे वो वाकई संसद मतलब मंत्रिपरिषद तो लिया ही थी, लेकिन मंत्रिपरिषद और संसद में डेडलॉक उत्पन्न हो गया था, है कि नहीं है, तो यहाँ टकराव की स्थिति बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के अंदर, क्योंकि विधायिका का कोई कंट्रोल ही नहीं है व्यवस्थापिका के ऊपर, इसलिए, समझ गए ये चीज है। तो ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट अपना ये टॉपिक है, ठीक है, इसमें कोई तो ज्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये समझ में तब आएगा जब पहले भारतीय संसद को अच्छी तरह समझो, ठीक है ना, ऐसे। फिर नेक्स्ट अपन इसके गुण दोष देख लेते हैं कि गुण दोष क्या है। तो गुण दोष के रूप में जैसे देखने के लिए क्या है, आप जैसे एक के देख लो, मतलब राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है ना, उसकी गुण दोष देख लो, फिर इधर ये विलोम हो जाते हैं। विलोम कैसे हो जाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं
कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के जो गुण है वो इधर के वाले गुण जो है इधर, मतलब देखो यूं है, ये गुण है ये दोष है, तो इसके जो गुण है वो यहाँ दोष बन जाएंगे और यहाँ जो दोष है वो यहाँ गुण बन जाएंगे। हाँ, अध्यक्ष व्यवस्था के दोष ये लिखे हुए हैं, अध्यक्ष व्यवस्था के गुण वो लिखे हुए हैं, ऐसे। तो ये समझ लेते हैं अपन। क्या सबसे पहले अपन देखते हैं स्थायित्व। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में स्थायित्व देखा जाता है, कैसे, कि मंत्रिपरिषद जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तो बहुमत वाला यहाँ चक्कर ही नहीं है, है कि नहीं है। आपने देखा था पहले कि अविश्वास प्रस्ताव में क्या देखा था कि मंत्रिपरिषद का बहुमत होना जरूरी है लोकसभा में, जबकि यहाँ जरूरी नहीं है। तो स्थायित्व बनता है सरकार में, 5 साल चलेगी। गठबंधन सरकार की अनिश्चितता नहीं होती, ठीक है, गठबंधन सरकार अनिश्चित क्यों नहीं होती, क्योंकि मंत्रिपरिषद, देखो मंत्रिपरिषद का नेता कौन, जिसको बहुमत हो खासतौर पर लोकसभा में, ठीक है, बहुमत होगा तभी वो मंत्री बनाएगा, मंत्रिपरिषद बनेगी उसकी। जबकि यहाँ क्या है, मंत्रिपरिषद का संसद से कोई लेना देना ही नहीं है कांग्रेस से, है कि नहीं है। तो बहुमत वाले गठबंधन सरकार का कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। तो राष्ट्रपति अपने आप में सर्वोपरि है, तो गठबंधन सरकार की यहाँ अनिश्चितता ने, मतलब गठबंधन सरकार के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। और गठबंधन सरकार क्या होती है, त्रिशंकु विधान संसद जो होती है, त्रिशंकु हंग पार्लियामेंट, उसी में ही वो जन्म लेती है ना। और फिर पार्लियामेंट का एक तरह सत्यानाश हो जाता है। इंडियन डेमोक्रेसी का जो सबसे अभी तक निचला स्तर अपन देखते हैं वो त्रिशंकु विधान, त्रिशंकु संसद की देन है, हंग पार्लियामेंट। यूपीए सेकंड जो था 2009 से 14 तक जिसने शासन किया, 2G स्पेक्ट्रम, कोल स्पेक्ट्रम, फोर्ड्रेस्कम, मतलब चारा घोटाला सब जिसमें आए, वो सब उस त्रिशंकु विधान संसद की देन थी, ठीक है। एक जैसे बुक है केतन पारिक अपने कोल सेक्रेटरी रहे हुए उनकी, ठीक है, तो वो क्या लिखते हैं शिबू सोरेन के बारे में, उस बुक में ही है, मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था उनके बारे में। वो क्या लिखते हैं कि जैसे जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन कैबिनेट के अंदर थे, है कि नहीं है। तो जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी, जब प्रधानमंत्री आते थे मनमोहन सिंह, 2009 से 14 के बीच की बात बता रहा हूं, तो प्रधानमंत्री आते थे तो शिबू सोरेन खड़े भी नहीं होते थे, समझो आप, जब मीटिंग बुलाई जाती थी कैबिनेट की अपने प्रधानमंत्री निवास पे, तो शिबू सोरेन खड़े भी नहीं होते थे प्रधानमंत्री के आने पे। फिर जब सोनिया गांधी बोलती थी स्टैंड अप मिस्टर, तब शिबू सोरेन खड़े होते थे, देख लो आप, है कि नहीं। तो वो उनका भी सरकार को समर्थन था, तो सरकार को अपने अंगुलियों पर नचाते थे, नचाने की कोशिश तो जयललिता ने भी करी थी, लेकिन देख लो वाजपेयी जी ने क्या जवाब दिया था, सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। तीसरा अपन देखते हैं विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करती है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, कैसे, कि मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं जरूरी नहीं कि वो संसद के सदस्य हो, तो जो स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको भी मंत्री रख सकता है कि नहीं है। उनको कांग्रेस का सदस्य होना जरूरी नहीं है, तो किसी को भी लिया, बिल गेट्स को लिया अपन मंत्री बना देंगे, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, त्वरित निर्णय लिया जाता है शासन व्यवस्था में, क्योंकि संसद से अपन को परमिशन लेनी नहीं है भैया, क्विक डिसीजन मेकिंग, चटमंगनी पट भैया। दूसरा है तो नेक्स्ट है पांचवा, शक्ति का प्रतिकरण अपन देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। तो क्लियर कट, सब अपने अपने इंडिविजुअल काम करते रहते हैं अपनी अपनी मस्ती के अंदर। अनुशासन अपन देखते हैं, अनुशासन कैसे, कि चूंकि कांग्रेस का तो नियंत्रण नहीं है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य, मतलब सचिव, ठीक है, वो समझते हैं, अब उनको अपनी सीमा पता है कि भाई किस दायरे में अपन को रह के काम करना, ठीक है। ये सारे इसके क्या है, ये अध्यक्ष शासन व्यवस्था के गुण है, क्या, स्थायित्व रहता है, गठबंधन सरकार की अनिश्चितता नहीं रहती, विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करती है, त्वरित निर्णय लिया जा सकता है, शक्ति का प्रतिकरण इसके अंदर संभव है, और अनुशासन ऑटोमेटिकली बना रहता है, ठीक है। तो दो दो के अंदर रख लो, स्थायित्व, गठबंधन, विशेषज्ञता, त्वरित निर्णय और शक्ति का प्रतिकरण और अनुशासन। तो ये तो है फायदे। नुकसान क्या है, कि निरंकुशता को जन्म देती है, कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति, कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो हो सकता है कि राष्ट्रपति तानाशाह की तरह व्यवहार करे, टकराव को जन्म देती है, जैसे बराक ओबामा के समय हुआ, मिनिस्टर बराक ओबामा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेके आई और फिर संसद में पास ही नहीं हुआ, संसद उसके अगेंस्ट में आ गई, ऐसे विवाद की संभावना रहती है। बहुत सांस्कृतिक देश, भारत जैसे बहुत सांस्कृतिक मल्टीकल्चरल देश के अंदर तो यह संभव ही नहीं है। कोस कोस पर बदले पानी, तो भारत जैसे देश में तो संभव ही नहीं है कि एक एक मतलब मंत्रिपरिषद नहीं हो और संसद की ओर चले नहीं, है ना। तो यहाँ तो जैसे हर प्रदेश का अलग अलग मंत्री रहता है, फिर वो अपनी डिमांड से रखता है और फिर प्रदेश का विकास सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। तो बहुत सांस्कृतिक देश भारत के लिए ये उपयुक्त नहीं है,
फिर यहाँ विपक्ष का अभाव रहता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जैसे अपन देखते हैं कि क्या कि राष्ट्रपति के चाहते होते हैं, या तो है कि नहीं है, तो राष्ट्रपति चाहते के अगेंस्ट में अंगुली कौन उठाए, कोई उठा ही नहीं सकता। जबकि क्या अपन यहां क्या देखते हैं कि संसदीय सदस्य में देखें तो विपक्ष कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है मंत्रिपरिषद के अगेंस्ट में, जबकि यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब ये जैसे जो गुण है, मतलब संसदीय शासन व्यवस्था के जो गुण बन जाएंगे, ये अध्यक्ष व्यवस्था की ये दोष है ना, डिमेरिट है अध्यक्षता प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो ये क्या बन जाएंगे यहाँ, ये संसदीय शासन व्यवस्था में ये मेरिट्स बन जाएंगी। मेरिट्स का मतलब अपने गुण बन जाएंगे। यहां तो क्या है, ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, ठीक है ना, और ये गुण है। अब ये यहां गुण कैसे बन जाएंगे, निरंकुश। क्या बोलेंगे अपन कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर निरंकुशता के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति को संसद हटा सकती है महाभियोग से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संसद के लोकसभा के प्रति व्यक्तिगत और राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक रूप से, सॉरी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो निरंकुशता की संसदीय शासन व्यवस्था में कोई स्थान नहीं। गुण आ गया ना, विवाद की संभावना नहीं रहती है क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। बहुत सांस्कृतिक जैसे देश के लिए उपयोगी है, अलग अलग प्रांत से चुन के आते हैं मंत्री और अपने अपने प्रांत का विकास सुनिश्चित करते हैं, तो उस बहाने पूरे देश का विकास सुनिश्चित होता है। विपक्ष का यह अभाव नहीं रहता है, विपक्ष एक क्रियाशील भूमिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रश्नकाल के द्वारा निभाता है प्रभावशाली भूमिका। अब ये दोष कैसे हो जाएंगे यहाँ पे, ये जो गुण है ना, ये दोष यहाँ कैसे हो जाएंगे, देखो कि स्थायित्व का अभाव रहता है ना, दोष मतलब सॉरी स्थायित्व का अभाव कैसे, कभी भी अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकते हैं। गठबंधन सरकार की अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र में। विशेषज्ञता का अभाव रहता है, मंत्री बन सकता है, मैं बिल गेट्स को नहीं ला सकते अपन, मंत्री बनाना पड़ेगा, लिया है तो 6 महीने के अंदर अंदर। त्वरित निर्णय संभव नहीं है, लंबी प्रक्रिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चर्चा, शक्ति प्रतिक्रमण नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कार्यपालिका भी सदस्य, मंत्री कार्यपालिका भी सदस्य होता है और व्यवस्था कभी कभी सदस्य होता है, वो वैन आ रहे याद रखो। अनुशासन संभव नहीं होता है कि नहीं, खासतौर पर गठबंधन की सरकारों में ऐसे, तो ऐसे याद रखना, एक याद करेंगे दोनों याद हो जाएंगे, समझ गए। इस तरह से ये अपना शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, कोई ज्यादा इसके अंदर कलिश्ता नहीं है, कॉन्सेप्ट है वो समझ में तब आएंगे जब संसद को पहले अच्छी तरह समझो। ठीक है, ये चीज थी इसके अंदर, देखो सुनो समझो करो, फिर कोई कंफ्यूजन हो मुझे बताना। ओके, फिर इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन और आप घटना चक्र में जैसे मैंने बताया उसमें देखना, फिर मेरे से पूछना। ओके।